चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका घर अगर ओल्ड पीसी है और वो बहुत स्लो काम कर रहा है और आप कुछ भी करने जा रहे हो उसमें हैंग कर रहा है, नेट कनेक्ट करने के बाद तो और भी हैंग कर रहा है, तो उसको आप कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, उसका स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, और मतलब कुछ उसमें लगाना पड़ता है जिसके कारण उसका आपका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इतना फास्ट काम करेगा कि आप फिर उसको चलाने में खुश हो जाइएगा। तो उसके लिए आपको बेसिकली एक एसएसडी परचेज करना है। कंसिस्टेंट का चीप एंड बेस्ट रहता है, सस्ता भी रहता है और वारंटी भी 5 साल का रहता है, तो सबसे अच्छा एसएसडी है। उसी को मैं अभी आपको लगा के दिखाने वाला हूँ कि आप अपने ओल्ड पीसी में कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब उसको एसएसडी लगा कर उसका स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में मैं जैसे जैसे करता हूँ आप उसको फॉलो करते जाएँ, आपका सारा चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा कि उसको कैसे लगाना और उसको कैसे फिर सेटअप करना और कैसे उसमें आपको विंडो चढ़ाना है। तो यह है मेरा ओल्ड पीसी जिसमें अभी मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले ये स्क्रू जो दिख रहे हैं इसको खोल लेने हैं, ये वाले नहीं, ये उल्टा साइड वाले। आपको जिधर ये पोर्ट दिखे इसके अपोजिट वाले खोलने हैं। और ये रहा आपका कंसिस्टेंट का एसएसडी, वो 128 128 GB का है। इसको अभी सस्ते प्राइस में ये मिल रहा है आपको, 1500 1000 1200 जैसा भी आपको मिले उतने में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ खोल लेना है, देख सकते हैं कितना यहाँ पे कचरा धूल जमा हुआ है, पूरा जाली पड़ गया, तो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको इसमें करने हैं सारे चीज़। चलिए अब आपको बताते हैं, उतना अच्छा से तो साफ नहीं हो पाया लेकिन एसएसडी को कैसे आपको सेट करना है वो बताते हैं। उसके लिए आपको ये साटा का केबल लेना है और ये स्क्रू आपको अपने से लेना पड़ेगा क्योंकि एसएसडी के साथ ये नहीं मिलता, और ये स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए आपके पास। तो एसएसडी में सबसे पहले आपको एसएसडी को सबसे पहले आप अपने कैबिनेट में, जैसे यहाँ पे मेरा इसका ये बड़ा मतलब कसने वाला है तो इसमें आपको लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको अटैच कर लेता हूँ। थोड़े से आपको अगर नहीं हो रहे तो इसको फैला देना ताकि आराम से चल जाए अंदर। उसके बाद यहाँ पे इसके आपके पॉइंट्स मिला लेने हैं आपको, और ये जो स्क्रूप्स हैं उसको आपको कस देने हैं। तो पहले आप यहाँ से स्क्रूप निकाल लेना चाहिए, निकाल लेते हैं स्क्रूप्स, और जो इसमें फिट बैठेगा उस स्क्रूप को इसके साथ कस देना है यहाँ पे। और आपको ज़्यादा नहीं कसना है क्योंकि ज़्यादा कसने से इसका जो कैबिनेट रहता है वो फटने लगता है, तो आपको नॉर्मल ही बस इसको अटैच करके थोड़ा टाइट करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि इसके डैमेज ना हो अंदर पार्ट्स। उसके बाद दो ऊपर और दो इधर लगा देना आपको, जिससे कि आपका एसएसडी हिलेगा नहीं और इसमें हमेशा फिट रहेगा। ये थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है जिसके कारण लगाने में दिक्कत होता है। ये नट नहीं जा रहा, लगता है नट थोड़ा मोटा है, तो इसको यहां से निकाल ही देते हैं। ये पतला वाला नट लगा के रखते हैं। शायद सारे के सारे नट मोटे ही हैं, तो इसको बस ऊपर वाला ही कस देते हैं, इसी से ये पूरा तरीका से टाइट हो जाएगा।
देखिए ये टाइट हो गया, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम दो ही नट लगाते हैं, उतना ही काफ़ी। उसके बाद आपको ये केबल कनेक्ट करना है, तो ये केबल से पहले आपको आपका जो SMPS है उसमें से इसका पावर कनेक्शन निकालना है। लगता है इसमें एक कनेक्शन वाला लाना पड़ेगा हमको, इसमें नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा DVD राइटर है उसका पावर कनेक्शन मैं काट कर देता हूँ और इसी का कनेक्शन मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी दिखने रहा। तो उसके लिए ऐसे वाला पोर्ट लाना पड़ेगा ताकि इसमें कनेक्ट करके और वही निकाल के और इसमें डाले सके। तो इसमें अभी दिया हुआ नहीं है, तो अभी फ़िलहाल DVD राइटर का कनेक्टर इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ आपको मिला के लगाना है, उल्टा पलटा नहीं लगाना है, उल्टा पलटा लगाने से ये लगे रहेंगे। देख सकते हैं पूरी तरीके से लग गया है। और उसके बाद ये जो आपका साटा का केबल है, एक पिन को आपको यहाँ लगा देना है। टाइट से अच्छे से लगाना है और उसके बाद दूसरा पिन को आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कनेक्टर दिख रहा है इसमें लगा देना है। तो मैं किसी भी एक कनेक्टर में आपको लगाना है। और खोलने टाइम आपको जब भी आप खोले तो ये वाला दबा के खोले, नहीं तो कुछ भी टूट सकता है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल लगा देता हूँ। उसके बाद ये जितने भी वायर है इसको ये साइड में कर देना ताकि ये फैन में आके फंस ना जाए और फैन को चलने में दिक्कत ना करें। ये यहाँ का काम पूरा ख़त्म हो चुका है। मैंने SSD में बस SSD में दो ही तार, एक पावर कनेक्शन और एक ये साटा केबल लगाना रहता है और उसको यहाँ पे कनेक्ट करना रहता है। अभी मैंने DVD का कनेक्शन हटा के इसी में डाल दिया, क्योंकि और कनेक्टर यहाँ पे है नहीं जिससे मैं इसको कनेक्ट कर पाऊँ। तो उसके बाद फिर से आपको ये लगाना है। इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको अब स्क्रीन में समझाऊंगा, PC में कनेक्ट करके कि कैसे आपको इस पे विंडोज इंस्टॉल या विंडोज़ को माइग्रेट या विंडोज़ को क्लोन करना है। वो आपको डेल बटन प्रेस करते रहना है, आपको पेन ड्राइव लगाना है, सिस्टम को पावर ऑन करना है और डेल बटन प्रेस करते रहना है। उसके बाद आप BIOS सेटअप में घुस जाइएगा। BIOS में आने के बाद आपको यहाँ पर बूट में आना है। बूट में आने के बाद यहाँ पर आप बूट एथी में जाइए ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको सैंडिक्स सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मेरा अभी 3 SSD, एक ये आपका हो गया SSD, ये हो गया हार्ड ड्राइव और ये हो गया मेरा पेन ड्राइव। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको पेन ड्राइव रख लेना है ताकि आपको बार बार वो ना करना पड़े। और सेकेंड नंबर पर SSD को कर देते हैं। जैसे हम पेन ड्राइव हटा देंगे तो SSD फर्स्ट में ऑटोमेटिक चल जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये ECS बटन दबाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे मदरबोर्ड का अलग अलग BIOS सेटिंग रहता है। यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये लेजिसिक ओनली रखना है। अगर इसको आप मान के चलिए UEFI ओनली कर दिए तो आपका क्या होगा कि जब पेन ड्राइव बूट करेगा और जब इंस्टॉल करने जाइएगा तो वहाँ पे आपको हार्ड डिस्क में इंस्टॉल नहीं करने देगा। उसके लिए आपको GTP पार्टीशन मांगेगा। तो उसके लिए बेहतर यही कि आप यहाँ पर लेजिसिक ओनली सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर सेव, या सेव यहाँ से भी कर सकते हैं, या F10 दबा के यस कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप जैसा आपका बूट विंडोज़ रहेगा, मैं ये Ubuntu की तरह बनाता हूँ तो इसमें मेरा सारे प्रकार के जो भी बूट फाइल हैं सारे यहाँ पे, आपको 10 चलाना है, 10, 7 चलाना है, 11, तो 11 में यहाँ पे चलाने वाला हूँ। 11 में जाकर ओके दबाना है। इस सब प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि टाइम थोड़ा वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा हो जाए।
यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट ही में दबाना है। उसके बाद यहाँ विंडोज़ प्रो सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे ये पीसी विंडोज 11 के लिए नहीं है तो इसको बाईपास करना पड़ता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको शिफ्ट प्लस F10, शिफ्ट और F7 एक साथ दबाना, उसके बाद यहाँ पे नोट पैड लिख के आपको इंटर दबाना है। जैसे नोट पैड आपका खुल जाए, फाइल में आपको जाना है, यहाँ पे ओपन दबाना है और उसके बाद यहाँ पे इसको टेक्स्ट है इसको ऑल कर लेना है। उसके बाद दिस पीसी में, उसके बाद आपको जो पेन ड्राइव रहेगा वहाँ पे आना है और पेन ड्राइव में ये फाइल जो अभी इसमें डाला हुआ है वो डाला हुआ होना चाहिए वाला। उसके बाद इसको मर्ज कर देना है और यस कर देना है और ओके दबा देना है। और उसके बाद यहाँ पे कट कर देना है, इसको भी कट कर देना है, इसको भी कट कर देना है। उसके बाद जो वर्जन आपका पहले से एक्टिवेटेड वर्जन है, जैसे मेरा इस पीसी में विंडोज़ 10 का प्रो लाइसेंस वाला था तो यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 प्रो ही दबाना है ताकि वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि इन सब में डिजिटल लाइसेंस होता है जो नेट के थ्रू ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है। उसके बाद कस्टम में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा मेरा पार्टीशन दिख रहा है, तो ये मेरा हार्ड डिस्क का है और ये देखिए जो ड्राइव 1 लिखा है ये मेरा हो गया आपका SSD का। तो इसमें से जो मेरा पहले विंडोज 11 था उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और उसके बाद ये वाला मैं न्यू पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ SSD में और इसका भी पार्टीशन मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और आपको SSD सेलेक्ट करना है, याद रखें SSD में ही इंस्टॉल करना है। अगर आप हार्ड डिस्क में फिर से इंस्टॉल कर देते हैं तो आपको वो स्पीड नहीं मिलने वाला और आपका सिस्टम फिर से हैंग करेगा। तो आपने जो SSD अभी लगाया हुआ है उसी में आपको सेलेक्ट करके, मेरा ये SSD है इसी में करके आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको रीस्टार्ट इंटर भी दबा सकते हैं और इंटर दबाने के बाद जैसे पीसी रीस्टार्ट हो आपको पेन ड्राइव खींच लेना है। अब पेन ड्राइव निकाल लेना आपको, देखिए मैंने पेन ड्राइव निकाल लिया। उसके बाद यहाँ आपको एक ही दबा देना है ताकि ये चेकिंग अभी रुक जाए और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, हम लोग इंडिया के हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको इंडिया इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे स्किप मारना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका वाईफाई कनेक्शन है तो आपको कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें अभी आपको साइन इन करना पड़ेगा अकाउंट वगैरह। यहाँ मैं अपना वाईफाई साइन इन कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके पीसी का नाम देना है और उसके बाद नीचे में आके आपको नेक्स्ट करना है अपना पीसी का नाम डाल के। अभी मैं यहाँ हिमांशु पीसी लिख दे रहा हूँ, अब नेक्स्ट दबाता हूँ।
इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल में सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। अगर आपके पास आईडी है तो यहाँ पे डाल के लॉग आगे बढ़ जाना माइक्रोसॉफ्ट का, नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट वन दबा के आपको करना है। अभी फिलहाल मेरे पास है तो मैं इसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है। और नेक्स्ट करना। अब आपको अपना पिन क्रिएट करना है पीसी के लिए। आप जो पिन चाहे अपनी मनमर्जी का 6 डिजिट 4 डिजिट का 8 डिजिट का क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप दबाना है न्यू में और नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट और एक्सेप्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे आप अगर चाहें तो ये डेस्कटॉप का कस्टमाइजेशन है, अगर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ दिखेगा। अभी मैं यहाँ स्किप कर देता हूँ। पीसी फाइनली पूरी तरह से रेडी हो चुका है और ये खुल चुका है। अब आप इसका स्पीड देख सकते हैं, ये पहले से कई गुना फास्ट है। एसएसडी में यही मज़ा है कि हार्ड डिस्क के मुकाबले आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड मिलता है। अब एक बात, तो अगर आप यहाँ पे दबा रहे हैं और आपका मान के चलिए यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह और आपको एडिट आइकॉन में दबाने के बाद एड के बाद भी अगर नहीं दिख रहा वो चीज़, तो घबराना नहीं है। वो बेसिकली ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होने के कारण होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर आना है, सेटिंग में आना है और आपको अपडेट में आ जाना है। यहाँ पे अपडेट में आके चेक करना है अपने ड्राइवर्स अपडेट के। तो इसमें तो ब्लूटूथ का हार्डवेयर ही नहीं लगा ले तो इसमें नहीं शो करेगा। बट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा इशू हो तो आपको आना है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे ये ऑप्शनल अपडेट में जा सकते हैं। यहाँ पर भी ड्राइवर अपडेट सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीसी का जो ड्राइवर अपडेट है यहाँ पे, ये यूएसबी का है, ये कुछ सिस्टम का है। तो यहाँ पे आपको सारे में टिक करके और यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल दबा देना है। ये सारे बहुत कम ही MB के होते हैं, आप इसमें आपको ज़्यादा डाटा नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो ड्राइवर डाउनलोड करते हैं ये वो ड्राइवर नहीं होते हैं। बस ये ड्राइवर ऐसे होते हैं जो बस वो हार्डवेयर को एक्टिवेट कर देते हैं, और वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं उसमें सारा कंट्रोल होता है, इसलिए वो ज़्यादा बड़ा बड़ा फाइल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी हो गया। देखिए सारा इंस्टॉल भी हो गया। अब ये है आपका विंडोज़ का अपडेट है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड दबा देना है और इसको डाउनलोड होने देना है। उसके बाद आप अगर आपको यहाँ पे अगर थीम चेंज करना है तो इसमें आ जाना है। यहाँ पे आपको जो भी थीम पसंद लगे उसमें क्लिक कर देना है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, मेरा इसमें पहले से विंडोज 11 था, उससे पहले 10 चल रहा था, तो उसमें मेरा लाइसेंस फुल्ली एक्टिवेटेड था। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप, मैंने तो की नहीं डाला था, लेकिन जैसे आप सेम वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक्टिवेट हो जाता है। आपको इसके मतलब और भी फिर से की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कभी। बस फॉर्मेट करें जब तो सेम वर्जन डालें और आपका पीसी एकदम चालू हो जाएगा, खुद ही खुद एक्टिवेट हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा।
अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो आइकॉन आपको बीच में दिख रहा है वो साइड में दिखे, तो आपको टास्क बार में जाना है और जो भी आपको आइकॉन नहीं चाहिए इसको यहाँ से ऑफ कर देना, वो टास्क बार से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ बिहेवियर, टास्क बार बिहेवियर में आना है और यहाँ पे सेंटर की जगह पे लेफ्ट चूज कर लेना है। देखिए सारे मूव हो गए लेफ्ट के साइड में और इसको कट कर देना है। और यहाँ से जो आपको नहीं रखना उसको अनपिन कर लेना है। अब अगर आपको डेस्कटॉप के आइकॉन लाने हैं जो रहता है माई दिस पीसी ये वगैरह, उसके लिए आपको यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में जाना है, फिर से आपको थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद डेस्कटॉप आइकॉन में जाना है और यहाँ पे जो जो आइकॉन आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करके और अप्लाई और ओके क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं ये आइकॉन आपका डेस्कटॉप में आ चुके हैं। उसके बाद स्टोर बाय टाइप्स में मारना है, फिर से एक बार मारना है और ये फुली तरीके से जैसे अरेंज रहते हैं वैसे अरेंज हो गए। आप यहाँ पे अंदर जाके अपना सारा देख सकते हैं। यही पीसी मेरा जब हार्ड डिस्क से चल रहा था तो बहुत ही स्लो चलता था, लेकिन अभी सुपर फास्ट काम कर रहा है, लग रहा है जैसे इससे फास्ट कोई नया पीसी भी नहीं होगा। तो एसएसडी का यही फायदा है कि आप जब भी इसको लगाइएगा तो आपका कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाएगा और आपको चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा और लगेगा हाँ कंप्यूटर चला रहे हैं, अच्छा है। पुराने ही पीसी में आपको नए का मज़ा मिलेगा अगर आप चेंज करवा लेते हैं, मतलब हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी लगा के और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो आपको इसमें पता चल गया कि कैसे आपको ओल्ड कंप्यूटर को फास्ट बना सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और जानकारी वाले वीडियो के लिए देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें। धन्यवाद।